नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाषीष बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टेक न्यूज के स्पेशल एपिसोड में। और लेके आया हूं मैं हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत सारे गर्मा गर्म टेक न्यूज। तो बिना बकबक के इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी ऐप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें होने वाली है 6000 mAh की बड़ी बैटरी लाइफ। तो ये अगर 6000 mAh की बड़ी बैटरी लाइफ हमें मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी के फोल्डेबल फोन के लिए। हालांकि जो उसकी स्क्रीन है उसको हम टेबलेट के रूप में अगर यूज करते हैं तो उसकी स्क्रीन हो जाती है डबल साइज की, डबल काफी बड़ी मतलब इसकी स्क्रीन हो जाती है। तो बैटरी खपत यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन सैमसंग की तरफ से अगर इस स्मार्टफोन में हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है तो फ्लेक्सिप स्मार्टफोन में ये जो मिलने वाली बैटरी है वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं कि सैमसंग अपने गैलेक्सी ऐप के साथ में क्या कुछ खास करता है, ये तो हमें कुछ ही समय बाद में पता चलेगा। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है हुआवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हुआवे ने अपना 5G नेटवर्क का ट्रायल यहाँ इंडिया में शुरू कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने हुआवे से कहा है कि आप आइए इंडिया में और 5G नेटवर्क का ट्रायल यहाँ पे शुरू कर दीजिए। तो हुआवे ने ये शुरू कर दिया है, 1.5 साल हो सकता है इसे कॉमर्शियल रोल आउट करने में लग जाए। तो 2019 या 20 तो आप पक्का मान लीजिए, इससे पहले तो हम 5G नेटवर्क यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि हुआवे इंडिया में 5G नेटवर्क की जो ट्रायल है वो शुरू कर दी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 5G नेटवर्क का हम यूज इंडिया में कितना जल्दी, कब, कैसे, कहां, किस तरह से कर पाते हैं कि पूरे इंडिया में एक साथ इसको रोल आउट किया जाता है, फिर अलग अलग पार्ट में देश को बांट करके इसको रोल आउट किया जाएगा, वो तो हमें कुछ ही समय बाद में पता चलेगा। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है फोर्ड से। जी हाँ दोस्तों, फोर्ड डॉग हाउस नाम से एक हाउस लॉन्च किया है छोटा सा फोर्ड ने, जो नॉइज कैंसलेशन से भरपूर होगा। और यहाँ पे अपने घर पे जो पालतू कुत्ते वगैरह या फिर और कुछ बोल सकते हैं कि कुछ भी पेट जानवर जो होते हैं उनको हम पालते हैं, तो उनकी क्या जो फटाकों की या फिर और भी बहुत सारा जो बाहर का नॉइज होता है जो वो सहन नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बार वो डर भी जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बड़ी आराम से वो रह सकेंगे इस नॉइज कैंसलेशन वाले घर में जो फोर्ड ने लॉन्च किया है डॉग हाउस के नाम से। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे घुसी चली जा रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पेट जो है वो बड़े आराम से बहुत सारे नॉइज में भी यहाँ पे रह सकेंगे इस डॉग हाउस में। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे आ रही है Xiaomi की तरफ से। और Xiaomi भाई साहब कुछ ना कुछ खास करता ही रहता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या तो कभी क्या, अलग अलग प्राइस में लॉन्च करता ही रहता है। यहाँ पे खबर आ रही है कि Xiaomi एक स्मार्ट एसी इंडिया में 2019 जनवरी में लॉन्च करने वाली है। तो कैसी होगी, कितनी इसकी प्राइस होगी, क्या इसमें खास होगा, हालांकि इसकी कोई लीक्स नहीं है, लेकिन यार Xiaomi पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा चला जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है Xiaomi ने। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे फिर से निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi अपना प्ले फोन जो है Xiaomi प्ले फोन नाम से जो लॉन्च करेगी 24 दिसंबर को चाइनीज मार्केट में। अब इसमें क्या खास होगा, शायद प्ले फोन नाम रखा है तो गेमिंग में विशेषकर फोकस होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि Xiaomi 24 दिसंबर को क्या कुछ खास कर पाता है अपने Xiaomi प्ले नाम से जो ये फोन लॉन्च कर रहा है इसमें, वो तो हमें 24 दिसंबर को ही पता चलेगा। और सबसे पहले मैं आपको न्यूज इसकी दे दूंगा। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है जगुआर की तरफ से। जी हाँ, जगुआर जो काफी लग्जरी गाड़ियों के निर्माण के लिए यहाँ पे जानी जाती है, अब वो काम कर रही है एक स्मार्ट डोर के लिए। तो यहाँ पे कार में जो डोर होगा उसमें मतलब फेस अनलॉक वगैरह का कुछ ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा ताकि वो काम करे, ड्राइवर वहां डोर के पास जाए, डोर ऑटोमेटिक उसके फेस को स्कैन करके खुल जाए और वो अंदर बैठने के बाद में डोर वापस से क्लोज हो जाए। तो पता नहीं टेक्नोलॉजी यार कहां कहां कैसे कैसे घुसी जा रही है, लेकिन देखते हैं कि जगुआर क्या कुछ खास कर पाएगा इस स्मार्ट डोर के लिए, तो वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे आ रही है गेम लवर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, पबजी ने अपना एक नया अपडेट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और 2.1 GB के आसपास का ये अपडेट है, 1.0.1 के नाम से इस अपडेट को नाम दिया गया है। ये आप अपने प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ नई नई चीज़ें इसमें मिलने वाली है एंजॉय करने के लिए। तो आप वहाँ प्ले स्टोर में जाइए और ये 2 GB का जो अपडेट है वहाँ से अपडेट कर लीजिए। और आपको इसमें स्नो मतलब एक मैप मिलने वाला है, बहुत अच्छा अलग से मैप आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वैसे दोस्तों आप कितना क्या समय देते हैं पबजी के लिए, पबजी कितनी बार खेलते हैं? मैं तो कभी कभार खेल ही लिया करता हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप पबजी कितनी देर खेलते हैं। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे आ रही है ओप्पो की तरफ से। हाल ही में ओप्पो ने अपने R17 Pro और R17 को लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में और चाइनीज मार्केट में भी। तो अब इसका एक नया एडिशन आने वाला है न्यू ईयर पे। जी हाँ दोस्तों, पूरा रेड रेड दिखने वाला है आपको ओप्पो R17 और R17 Pro के फीचर्स, और बाकी के सारे सेम ही है, प्राइस भी सारी सेम ही है, लेकिन ये
कलर जो है वो एक अलग से इसका लॉन्च किया गया है। हालांकि ये नए साल से इंडिया के लिए लॉन्च नहीं किया जाएगा, केवल चाइनीज मार्केट में इसको लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं इंडियन मार्केट में इसी नए एडिशन को ओप्पो कब लेके आता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है एलजी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एलजी लाने वाला है जनवरी 2019 तक एक फोल्डेबल टीवी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप अपने टीवी को यूं समेट के दीवार पे चिपका दोगे या फिर कुछ और कर दोगे। फोल्डेबल फोन के बारे में हमने सुना है, तो अब यहाँ पे एलजी टीवी के लिए भी यहाँ पे पेटेंट कर दिया है कि वो एक फोल्डेबल टीवी लाएगा जिसको फोल्ड करके आप दीवार पे टाक सकते हो, या फिर यहाँ आप उसको मतलब एक तरह से चिपका सकते हो ताकि आप उसको जब मन चाहे उसको नीचे किया और आप टीवी ऑन कर सकते हो। हालांकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, काफ़ी प्रीमियम टाइप का ये होने वाला है क्योंकि फोल्डेबल फोन्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ये तो टीवी है, एलजी की तरफ से दुनिया का पहला फोल्डेबल टीवी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे आ रही है लिनोवो की तरफ से। फाइनली आज लिनोवो ने अपना Z5 आज लॉन्च कर दिया है चाइनीज मार्केट में। वाटर ड्रॉप नोज के साथ में आपको 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रैम और स्टोरेज बेस यहाँ पे तीन प्रकार के वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं मार्केट। 4GB 64GB 6GB 64GB और 6GB 128GB के तीन वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको तीनों में देखने को मिल जाएंगे। 16MP 8MP और 5MP के इसके अलावा आपको तीनों वेरिएंट में 16MP का यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 3300mAh की बड़ी बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्राइस यहाँ पे कुछ 14400, 16400 और 19500 है अलग अलग वेरिएंट की। तो देखते हैं लिनोवो कितनी जल्दी इस फोन को इंडियन मार्केट में लेके आता है और किस प्राइस में इसको लेके आता है। यार आपको मतलब 16000 में एक 710 प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज लिनोवो दे रहा है, तो ये बहुत एक मतलब काफ़ी अच्छी बात होगी इंडियन मार्केट में। अगर 20,000 तक भी इस फोन को लॉन्च किया जाएगा तो ये मार्केट में तबाही मचाने वाला है। फिलहाल देखते हैं लिनोवो अपने Z5S को कब इंडिया में लॉन्च करता है। इसके अलावा दोस्तों इसका प्रो वर्जन भी लिनोवो ने लॉन्च कर दिया है जो 855 प्रोसेसर के साथ में आएगा और शायद ये दुनिया का पहला फोन है 855 प्रोसेसर के साथ में आने वाला। इसमें आपको 12 GB रैम मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 12 GB की बड़ी रैम आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो आपको फुल रिव्यू इसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूँ, तो आप इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द इसका रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों अगली खबर यहाँ पे आ रही है इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोमैक्स ने बहुत दिनों बाद में अपने इन्फिनिटी N सीरीज के दो नए स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, N11 और N12 इनको नाम दिया गया है। दोनों में ही आपको नोच डिस्प्ले देखने को मिलेंगी, 4000mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और दोनों ही फोन में आपको हीलियो का P22 प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यार थोड़ा आउटडेटेड है, P60 P70 होता तो कुछ और अच्छा होता, प्राइस भले ही 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा हो। और फिलहाल यार मैं भी चाहता हूँ कि एक इंडियन कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करे इंडिया में और ऊपर तक जाए, सारे फोन्स को टक्कर देके सारे फोन्स के रिकॉर्ड तोड़ के विदेशी कंपनियाँ जितनी भी है, और इंडियन कंपनी जो है माइक्रोमैक्स वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाए। लेकिन यार मेरे को लगता नहीं है कि ये इतने आउटडेटेड जो प्रोसेसर है वो अपने फोन्स में देके इतनी ऊपर तक जा पाएंगे, मेरे को ऐसा लगता नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों N11 और N12 दोनों ही फोन में आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप 13MP और 5MP का मिल जाता है। इसके अलावा आपको N11 में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है और N12 में आपको 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा N11 का 2GB और 32GB वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है 8999 रुपये के साथ में, और N12 का 3GB और 32GB का वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है 9999, यानी कि करीब 10,000 रुपये के आसपास। तो देखते हैं माइक्रोमैक्स क्या कुछ खास करता है अपने इन्हीं फोन्स के साथ इंडियन मार्केट में, कितने ये मतलब मार्केट में कंपटीशन ले पाएंगे। ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से प्रदर्शन ये फ़ोन नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी आउटडेटेड है, लुक्स भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन देखते हैं देखिए क्या कड़ी टक्कर लेता है यहाँ पे मार्केट में माइक्रोमैक्स के यही दोनों फ़ोन N11 और N12। और बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टेक न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।